सो वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे. एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या मतलब होते हैं? पार्ट्स मीन्स होते हैं हिस्से, और स्पीच के मतलब होते हैं बोलचाल. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब हो गए बोलचाल के हिस्से. ठीक है, तो जब भी आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड्स बोलते हैं, वेन एवर यू कम्युनिकेट विद समवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू से अ लॉट ऑफ वर्ड्स. यू से सेवरल वर्ड्स, यू से मैनी वर्ड्स, एंड एवरी वर्ड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, कि इन इंग्लिश लैंग्वेज देर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स. अंग्रेजी जबान के अंदर लाखों अल्फाज हैं. अब हमने क्या किया, उन वर्ड्स को क्लासिफाई कर दिया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के अंदर. जो वर्ड नाम को बताता है किसी का, उसको हम नाउन बोल लेते हैं. नाउन के बदले में कोई वर्ड इस्तेमाल हो जाता है तो उसको हम प्रोनाउन बोल देते हैं. कोई वर्ड ऐसा है जो नाउन की क्वालिटी बता रहा होता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोल लेते हैं. कोई वर्ड ऐसा है जो किसी काम को शो कर रहा होता है उसको हम वर्ब बोल देते हैं. कोई वर्ड ऐसा है जो किसी काम के मायने को बढ़ा रहा होता है उसको हम एडवर्ब बोल लेते हैं. कोई वर्ड ऐसा है जो ताल्लुक शो कर रहा होता है जुमले में दो अल्फाज का, उसको हम प्रेपोजिशन बोल लेते हैं. कोई वर्ड ऐसा है जो दो जुमले को साथ में जोड़ रहा होता है उसको हम कंजंक्शन बोल लेते हैं. कोई वर्ड ऐसा है जो कि जज्बात के इजहार कर रहा होता है, खुशी गमी या हैरत के, उसको हम इंटरजेक्शन कह देते हैं. तो इस तरह से हर तरह के अल्फाज के लिहाज से हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बना लिए, टोटल 8. ठीक है, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो उसको दोबारा से हम पढ़ेंगे. तो टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द नाउन, द सेकेंड इज प्रोनाउन, एंड द थर्ड इज एडजेक्टिव, एंड द फोर्थ इज वर्ब, एंड द फिफ्थ इज एडवर्ब, द सिक्स्थ इज प्रेपोजिशन, एंड द सेवेंथ इज कंजंक्शन. ठीक है, एंड द एट्थ इज इंटरजेक्शन. सो दिस इज द होल कोर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो दीज थिंग्स वी हैव टू लर्न. तो अंग्रेजी ज़बान को सीखने के लिए मैंने जो टॉपिक्स आपके से पहले लिखे थे उनमें पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच था. इसको जब आप कर लेंगे तो देन यू विल मूव टूवर्ड्स द टेंसेस और द 12 टेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो यस, यू कैन राइट इट डाउन फर्स्ट. आप उसको लिख लें पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, दैट इज नाउन. ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन नाउन? नाउन किसको कहते हैं? फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यस, बचपन से आपने कुछ पढ़ा एक लाइन्स को कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. हर एक चीज़ दुनिया में जो है उसका कोई ना कोई नाम है, और अगर उसका कोई ना कोई नाम है तो जो भी नाम है तो दैट इज़ एक्चुअली अ नाउन. ठीक है, हर चीज़ का, हर शख्स का, जगह का कोई नाम है, वो नाम एक नाउन है. तो बट नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ एक्चुअली एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. इट इज़ नॉट कम्प्लीट वन, बिकॉज हमारे पास कुछ इमोशंस भी होते हैं, लाइक खुशी, हैप्पीनेस, या गमी, सैडनेस. ये तो नहीं, ये ना तो खुशी गमी, ना तो ये कोई चीज़ है, ना कि कोई जगह है, ना ये कोई शख्स है, बट ये भी नाउन है. सिकनेस, इलनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, लव, ये सारे के सारे नाउन है. तो उसका मतलब नाउन की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है तो वो क्या होती है, एक्चुअली सिंपल है वो बड़ी, वो है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन है जो उसकी करेक्ट डेफिनेशन है, कि नाउन नेमिंग वर्ड है, नाम रखने वाला लफ्ज़ नाउन कहलाता है. ठीक है, जिस लफ्ज़ के साथ हम किसी का नाम रखते हैं, किसी चीज़ का, शख्स का, जगह का, इमोशंस का, स्टेट का, तो उस वर्ड को हम नाउन कहते हैं, मतलब नाम. तो आज हम नामों पर डिस्कस करेंगे. आप में से हर बच्चा क्लासरूम में बैठा है, सबका कोई ना कोई एक नाम है, और वो आपका जो नाम है वो आपका नाउन है. आप सब के सब किसी न किसी इलाके में, मोहल्ले में रहते हो, और हर इलाके और मोहल्ले का एक नाम है, वो नाम एक नाउन है. आप सब के सब किसी न किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपके स्कूल का एक नाम है, वो नाम एक नाउन है. आपके बैग में इस वक्त आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ना जाने क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी, पेंसिल, पेन, मार्कर, रेजर, शॉर्पनर, सब कुछ, हर एक चीज़ का नाम वो एक नाउन है. तो लाखों करोड़ों चीज़ें आपको दुनिया में मिल सकती हैं जो नाउन के एग्जाम्पल में आ सकती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नाउन के टाइप्स. ठीक है, या टाइप्स को डिस्कस करने से पहले, सो लेट्स हैव एग्जांपल्स. कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि नाउन की, तो मुझे नाउन की एग्जांपल बता सकते हैं? यस, ये आप बताएं मुझे नाउन की एक एग्जांपल.
बहुत सारी हो सकती हैं, कोई भी ना, कोई भी नाम ले लें। पेन, बस है, काफ़ी है, काफ़ी है बस। तो पेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ नाउन। ओके, ये साफ बताएं को नाउन के एक एग्जांपल। फैसलाबाद। ओके, फैसलाबाद इज़ द नेम ऑफ सिटी ऑफ पाकिस्तान, सो दैट इज़ फैसलाबाद इज़ आल्सो अ नाउन। ठीक है, नो कॉमा, सो यस यू टेल मी एनी नाउन। फैन, फैन इज़ अ नाउन, एटसेट्रा। बोर्ड भर जाएगा लेकिन नाउन ख़त्म नहीं हो सकते, इतनी चीज़ें हैं, इतने लोग और इतनी जगह दुनिया में है कि पूरा एक घंटा दो घंटा भी हम लिखते रहे तो कम पड़ जाए, तो हम एट्सेट्रा डाल दे रहे हैं। एट्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी। अब हम बात करते हैं नाउन के टाइप्स में, टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के नाउन हमारे पास हैं। तो बच्चे याद रखो, वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ नाउन, काफ़ी तरह के हमारे पास नाउन्स हैं। वो कितने तरह के हैं? अच्छा, कुछ बच्चे फोर पढ़ते हैं, कुछ फाइव, कोई सिक्स, अलग अलग सबके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितने भी टाइप्स हैं सबके नाम लिखता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, द सेकंड इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन, द थर्ड इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन, द फोर्थ इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, द फिफ्थ इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द फोर फिफ्थ सिक्स्थ इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन, द सेवन्थ इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन, द एट्थ इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन, द नाइन्थ इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। सो देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो इनको आज हमें डिस्कस करना है, इन टाइप्स को। सो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन से निकला है, मतलब जमा, किसी चीज़ को जमा करते हैं तो कलेक्शन। भाई मेरे भी क्या, मैं कहता हूँ ना कि भाई हम कहते हैं भाई मेरे पास फलां चीज़ की कलेक्शन मौजूद है पूरी। ठीक है, या जो ड्रेस बेचने वाले होते हैं कहते हैं भाई हमारे पास जो है न्यू वैराइटीज़ की कलेक्शंस हैं, या नए साल की कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। कलेक्शन मतलब जहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं आकर। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन इट इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्संस, चीज़ों के या जगहों के कलेक्शन को, उनके जमे का एक अलग नाम होता है, उनके मजमूए का अलग नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं, दैट वी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अब उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, लेट्स हैव द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, लेट्स से कि स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है तो वो तो स्टूडेंट कहलाता है, बट इफ देयर आर मैनी स्टूडेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे अगर हो जाए तो उसको हम क्लास कहते हैं, स्टूडेंट्स की क्लास। तो क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन, क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सिपाही। बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ जमा हो जाएं तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन आर्मी, फिर वो आर्मी कहलाता है। ठीक है, तो आर्मी इज़ मतलब फौज, जब बहुत सारे सोल्जर्स जमा हो जाते हैं तो आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन, बिकॉज आर्मी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिंपल। नेक्स्ट, अगर जो है वो एक शख्स है, लोग हैं, तो पीपल, और बहुत सारे लोग अगर एक साथ जमा हो जाएं तो इट इज़ कॉल्ड अ क्राउड, फिर हम उसको क्राउड कहते हैं, क्राउड मतलब भीड़, रश या हुजूम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम कोई शिप, कश्ती कहते हैं, एक कश्ती अगर एक जगह पर मौजूद हो तो शिप है, बहुत सारी कश्तियाँ एक साथ खड़ी हो जाए तो हम उसको कहते हैं फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह एक होता है शीप, SHEEP, शीप के मतलब होता है भेड़, बहुत सारे भेड़ एक साथ अगर जमा हो जाएं, भेड़ जानवर होते हैं, और बहुत सारे अगर शीप एक साथ जमा हो जाएं, नाउ दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लॉक, रेवड़, कि भाई भेड़ों का रेवड़। ठीक है, दैट इज़ फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब बहुत सारे शीप जमा हैं एक साथ। इस तरह काओ मतलब गाय, काओ मतलब गाय, और बहुत सारी गायें एक साथ अगर जमा हो जाती हैं तो उसका कलेक्शन कहलाता है हर्ड, अ हर्ड ऑफ काउस, हर्ड मतलब झुंड। ठीक है, इस तरह फ्लावर, फ्लावर के मतलब होते हैं फूल, और बहुत सारे फूल जब एक साथ जमा हो जाए तो उस सूरत में हम उसको कहते हैं बंच, अ बंच ऑफ फ्लावर्स,
इस तरह से कीज में भी यही होता है, बंच ऑफ कीज, ठीक है। गुच्छा मतलब उर्दू में कहते हैं ना, फूलों का गुच्छा, या इस तरह से बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, इंग्लिश में बंच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज के, अच्छा और भी होते हैं काफ़ी, अब इसमें देखो जरा, वुल्फ, वुल्फ मतलब होता है भेड़, सॉरी भेड़िया, भेड़िया और भेड़ में फ़र्क है, भेड़िया तो जो है वो गोश्त खाता है, कार्निवोरस एनिमल है, तो बहुत सारे भेड़िए जब जमा हो जाते हैं तो इसको कॉल्ड अ पैक ऑफ वुल्फ, तो पैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वुल्फ। इस तरह लायन होता है शेर, एक शेर है तो लायन है, बहुत सारे लायन एक जगह पर जमा हो जाए, इट इज़ कॉल्ड अ प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड मतलब बहुत सारे शेर जमा एक जगह पर। इस तरह सा ओल, ओल कहते हैं उल्लू को, ओल एक परिंदा है जिसको हम उल्लू कहते हैं, और एक जगह पर बहुत सारे उल्लू जमा हो जाएं, दैट इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट, अ पार्लियामेंट ऑफ ओल। वैसे पार्लियामेंट हम जो है वो असेंबली को भी कहते हैं, वहाँ भी उल्लू जमा होते हैं, बात वही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट मतलब बहुत सारे उल्लू जब एक जगह जमा हो जाएंगे, एंड इट इज़ रियलिटी, है मैं तफरी में नहीं लिख रहा, यही होता है, ठीक है। एंड पार्लियामेंट ऑफ ओल मतलब बहुत सारे उल्लू एक ही जगह पर जमा हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इस आखिरी देख लो जरा बस, क्रो, क्रो मतलब होता है कौवा, कभी कभार होता है बहुत सारे कौवे एक साथ जो है लाइन से जो है वो बैठ जाते हैं आके, वो कहते हैं ज़्यादातर जनाजे में बैठ जाते हैं, मतलब कोई जब कोई कौवा मर जाता है ना तो उसके जनाजा पढ़ने के लिए सारे लाइन से आ जाते हैं, नीचे कौवा मरा पड़ा होता है और सब काएँ काएँ कर रहे होते हैं जगह बैठ कर, है ना, ऐसा ही होता है। तो जब कौवे बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो उनके कलेक्शनों का आ जाता है मर्डर, अ मर्डर ऑफ क्रोस, मर्डर मतलब बहुत सारे कौवे जमा है, तो मर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी के कौवे के मरने पे ही वो लोग आ रहे होते हैं ज़्यादातर, तो ये इंटरेस्टिंग से होते हैं, कलेक्टिव नाउन सारे बहुत सारे होते हैं। तो इतने याद कर लो, 9th क्लास में इतने काफ़ी हैं, दीज आर कलेक्टिव साउंड, नाउ गेट गॉट द थिंग्स, तो क्या एग्जाम्पल्स, राइट साइड वाले कलेक्टिव साउंड से, लेफ्ट साइड वाले तो मैं बता रहा हूँ किन चीज़ का कलेक्शन ये कहला रहा है, ठीक है ना। इस तरह से मटेरियल नाउन लेफ्ट साइड पे मैंने लिखे थे और यहाँ पर मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ कलेक्टिव नाउन्स को, ठीक है। बाकी मैं एग्जांपल के लिए बस समझाने के लिए मैंने एरो बना दिए कि भाई इस चीज़ का कलेक्शन ये चीज़ है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बाद द फिफ्थ वी हैव, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड के मायने क्या, एब्स्ट्रैक्ट मायने का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है उसके मतलब होते हैं छुपी हुई चीज़ कोई, मख्फी चीज़ कोई, छुपी हुई चीज़ जो सामने जाहिर ना हो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, छुपी हुई चीज़ को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एक पेंटिंग होती है हमारे पास जो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, अगर किसी को भी पेंटिंग में दिलचस्पी है तो, या अगर कोई प्रोफेशनल वे पर पेंटिंग करता है या करना चाहता है या किसी का शौक है, तो एक पेंटिंग के एक टाइप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, बड़े बड़े लोग करते हैं वो, बड़े मशहूर पेंटर्स करते हैं वो, जैसे पिकासो, जो पैब्लो पिकासो थे वो किया करते थे, ठीक है। तो पैब्लो पिकासो भी किया करते थे, उसके अलावा और बहुत सारे लोग, तो उनकी पेंटिंग कैसे होती थी कि वो कैनवास जो होता है, कैनवास मीन्स बोर्ड, तो कैनवास पर वो उलट पुलट बहुत सारे रंग बिखर दिया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रंग आपने देखा होगा कि इधर उधर मारे हुए होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बना हुआ क्या है, और वो पेंटिंग बस उसमें बस इस तरह से मतलब कि कलर फेंक दिया गया उठा के उसके ऊपर, कि आपने तीन चार कलर उठाया हाथ में और मार दिया उस पर कैनवास पर, और वो कोई पेंटिंग बन गई है। तो कहा जाता है कि वैसे वो पेंटिंग समझ में कुछ नहीं आता है, क्या बना है, कौवा बना है कि चील हाथी क्या बना, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग बड़े गौर से देख रहे होते हैं, पेंटिंग होती भी बड़ी महंगी है, वाली लाखों रुपये की बिकती है पेंटिंग, दिख रहा कुछ नहीं होता उसमें, जो पेंटर होता है वो बता रहा होता है कि इस पेंटिंग के अंदर क्या चीज़ दिख रही है, मतलब वो फिर वो बोलता है भाई इस पेंटिंग में गम दिख रहा है, इसमें दुख दिख रहा है, इसमें खुशी दिख रही है, इसमें उदासी दिख रही है, जबकि वो इमेजिनेशन उसके अंदर होती है, कोई होता होगा शायद ये बड़े आर्ट्स वगैरह जो पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा उनको पता होता होगा, भाई मुझे तो सच में वो 2 रुपये की पेंटिंग लगती है, वो सिंपल सादा सी पेंटिंग उसमें होती है, कुछ भी नहीं लिखा होता, वो कुछ भी नहीं बना हुआ होता, देखो तो मिकी माउस बना हुआ है, ट्विटी बनी हुई है, चलो समझ में आ रहा है खूबसूरत, उसमें कुछ बना हुआ ही नहीं होता है। अच्छा मिकी माउस अब इतना अच्छा बना दो, 5 रुपये में भी कोई नहीं खरीदेगा, 5 रुपये में भी खरीदते ही कोई नहीं है, और वहाँ उल्टा पुल्टा कलर लाखों में खरीद लेते हैं, होगा कोई टैलेंट मुझे नहीं पता, बिकॉज हमने अपना पेंटर, ठीक है, तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्या पता बहुत अच्छी कोई चीज़ हो, लेकिन उसके अंदर कहा जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहलाती है, उसके अंदर जो पैगाम होता है ना, मैसेज, वो छुपा हुआ होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, जो बड़ी महंगी महंगी बिकती है हमारी, ठीक है, आर्ट्स काउंसिल वगैरह में, म्यूजियम वगैरह में लगी हुई होती है। तो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, छुपा हुआ नाउन, मतलब हर वो नाउन, हर वो चीज विच वी कैन नॉट टच और सी, जिसको हम ना देख सकें ना हम छू सकें, बट लेकिन वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको महसूस कर सकें. हर वो चीज़ जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ के नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर पेन, पेन मतलब दर्द. अब दर्द एक ऐसी चीज़ है, पेन एक ऐसी चीज़ है कि आप दर्द को देख नहीं पाओगे ना आप दर्द को छू सकते हैं, दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है. तो फीलिंग्स जितने भी होते हैं, जितने इमोशंस होते हैं, विजडम है, अकलमंदी. किसी इंसान की अकलमंदी आप देख नहीं सकते हैं ना उसकी अकलमंदी को आप छू सकते हो, अकलमंदी आप सिर्फ महसूस कर सकते हो. उसकी इंटेलिजेंस, जहानत, जहानत किसी स्टूडेंट की देखी नहीं जा सकती ना ही उसको छुआ जा सकता, उसकी जहानत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है जहानत को. तो हर वो चीज़ जिसको हम ना देख सकें ना हम छू सकें, हम उसको सिर्फ फील कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकती हैं बहुत सारी. अब एग्जाम्पल्स हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके अंदर एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा पेन मतलब दर्द, लव यानी मोहब्बत. ठीक है, इस तरह से आप आ जाएगा इसके अंदर विजडम यानी अकलमंदी एट्सेट्रा. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स की जब बात करूँ ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकती है. ठीक है, एयर, हवा नहीं, एयर नहीं हो सकता. हवा जो है वो आप छू सकते हैं, ज़रूर है, आपको छू कर निकल सकती है वो हवा, आप छू सकते हैं, हवा चलती है तो आपके हाथों पे टच होती है, आप टच कर सकते हैं एयर को. ठीक है, इसमें मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इमोशंस आ जाते हैं, जज्बात आ जा सकते हैं, एंड फीलिंग्स और एहसास आ जाते हैं, ये आते हैं. अब जितने भी जज्बात और एहसास हैं सबके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, अभी बहुत सारे और आएंगे. ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, सिकनेस, इलनेस, मैडनेस, बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और बात समझ लो ज़रा. बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम रूल्स के जरिए, ट्रिक के जरिए समझ पाते हैं कि कैसे समझ में आते हैं, किसके आप वर्ड को देख कर समझ पाते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है. उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कहलाता है प्रीफिक्स और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, सफिक्स. तो प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ें होती हैं. प्रीफिक्स हम कहते हैं साबका और सफिक्स कहते हैं लाहका. तो साबके और लाहके तलाश कीजिए, ऐसा लिखा होता है ना झूठे में किया करते थे ऐसे क्वेश्चंस. साबका मतलब वो वर्ड जो प्रीफिक्स जो पहले लगता हो किसी वर्ड की, और लाहका मतलब जो बाद में लगता हो. उर्दू में भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हमारे पास होते हैं. मिसाल के तौर पर जैसे खुश, खुश एक प्रीफिक्स है. खुशनुमा, खुशहाल, खुशबख्त, खुशकिस्मत, खुश लिबास, खुशगुमान, खुश इखलाक, ये खुश जो है वो प्रीफिक्स है. क्यों? हर जुमले के शुरू में आ जा रहा है, प्रीफिक्स है, साबका है. और सफिक्सेस भी होते हैं जैसे तरीन, उर्दू में तरीन एक सफिक्स है, बदतरीन, बेहतरीन, है ना, और क्या हो सकते हैं, नहीं तरीन का आखिरी माना चाहिए, उम्दा तरीन. ठीक है, तरीन आना चाहिए लास्ट में, बेहतरीन. ठीक है, उस तरह से वो हो सकते हैं. तो ये सारे सफिक्स कहलाते हैं, सफिक्स में जो एंड में आते हैं. इस तरह इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना वो प्रीफिक्स के जरिए तो हम नहीं पहचानते, लेकिन हम सफिक्स के जरिए पहचान रहे होते हैं, आखिरी के वर्ड्स के जरिए हम पहचान लेते हैं कि आखिरकार कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो मैं यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सफिक्सेस आपको लिख कर दे देता हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहला सफिक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, नेस. जिस वर्ड के आखिर में नेस आ जाएगा वो लाजमी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. जैसे अभी ये स्टूडेंट बता रही थी यहाँ पर हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आ गया, खुशी. दूसरा क्या हो सकता है, सैडनेस और इलनेस और मैडनेस और सिकनेस एट्सेट्रा, काफ़ी है. तो जिस वर्ड के लास्ट में भी नेस आ जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. इन सारी चीज़ों को, खुशी को, गमी को, बीमारी को, या पागलपन को, या सिकनेस बुखार को, इन तमाम चीज़ों को हम देख और छू नहीं सकते. बहुत सारे हो सकते हैं, पाँच के बाद नहीं लिखूंगा ना, जगह बोर्ड ख़त्म हो जाएगा.
बहुत सारे हैं ना इस वजह से, इस वजह से हर वो वर्ड जिसके लास्ट में शन आ जाए, टी आई यू एन शन, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बताएं कोई वर्ड्स इनके लास्ट में शन आते हैं। एक सेकंड, दैट इज प्रोटेक्शन हो गया और एक्शन और कम्युनिकेशन हो गया और इमोशन हो गया और अट्रैक्शन भी हो गया। ओके दैट्स इट, फाइनल खत्म, बस और नहीं। जिस वर्ड के लास्ट में शन आ जाएगा वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड होता है एस आई यू एन वाला शन, जिसके वर्ड के लास्ट में एस आई यू एन वाला शन आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यस एडमिशन, यस वेल डन, सेशन भी हो गया। नेक्स्ट टेंशन, कन्फ्यूजन, वेल डन भाई, अच्छा वर्ड है। प्रोफेशन, बस बस हो गया, पांच हो गया और नहीं चाहिए, ठीक है। वो तो बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। एस आई यू एन वाला शन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। और आते हैं लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में आ जाए शिप वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यस वेल डन, फ्रेंडशिप और यस रिलेशनशिप। नेक्स्ट यस स्पेसशिप नहीं होगा, इसके अलावा बता दो। स्कॉलरशिप, अच्छा वजीफा, स्कॉलरशिप और ओनरशिप और लीडरशिप, वेल डन, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स आएंगे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लीडरशिप, ये सारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब इसके साथ लास्ट में अगर किसी वर्ड के लास्ट में जैसे कि अब आ जाए मेंट आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में मेंट, तो वी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो, एक्साइटमेंट और ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट और इंस्टॉलमेंट और नहीं, कमेंट वर्ब हो जाएगा, उसको छोड़ दो। और एक और चाहिए मेंट वाला लॉर्ड, कमिटमेंट, वेल डन भाई, ठीक है। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब कोई वादा, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। इसके बाद फिर हर वो वर्ड जिसके लास्ट में हुड आ जाए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हुड आ जाए, अब बताओ हुड से, चाइल्डहुड, वेल डन, ब्रदरहुड और बोलो, नेबरहुड, सिस्टरहुड नहीं होता और नेशनहुड, काफ़ी है, ठीक है। इस तरह जिन वर्ड के लास्ट में डी ओ एम आ जाए, मतलब डम आ जाए, उस सूरत में भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज किंगडम हो गया, ठीक है। इस तरह से विजडम हो गया, फ्रीडम हो गया, फ्रीडम मतलब आज़ादी, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट, अच्छा इतने काफ़ी हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं बता रहा था कि आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात मैंने आपको बताए सफिक्सेस, और भी होते हैं बट दैट्स इनफ, ठीक है। जिनसे हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो ब्लू कलर से मैंने लिखे, मतलब अब इन सब को अगर आप कॉन्सेप्ट से भी देखो, इन सब को हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिर्फ, देख नहीं सकते। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इन सबको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इनका भी आपको नोट याद रखने पड़ेगा, और वो नोट क्या होगा कि प्लूरल नॉट पॉसिबल, इन सब का प्लूरल भी बनता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर होता है इनका, ठीक है, प्लूरल नहीं बनता इन सब का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्क्रीट नाउन, तो सिंपल जस्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि कॉन्क्रीट नाउन इज, इट इज़ एक्चुअली द अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं कि विच वी कैन नॉट टच और सी बट वी कैन फील इट, और कंक्रीट नाउन से मुराद वो कौन सा नाउन, विच वी कैन टच और सी, जिसको हम देख सकें या छू सकें, वो हमारा कंक्रीट नाउन कहलाता है, ठीक है। कंक्रीट नाउन हर वो नाउन जिसको आप देख सकें और छू सकें। और स्टार्ट के जो चार टाइप्स हमारे पास थी ना नाउन में, जैसे कि हमारे पास कॉमन नाउन थी, या फिर या प्रॉपर नाउन है, या मटेरियल नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। जो कॉमन नाउन को भी आप देख और छू सकते हैं, बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर,
ठीक है, प्रॉपर नाउन को भी आप देख और छू सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल लाइक सैमसंग मोबाइल, डॉलर पेन। मटेरियल नाउन को भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, राइस, शुगर, वाटर, वुड, प्लास्टिक। कलेक्टिव नाउन को भी आप देख और छू सकते हैं, लाइक आर्मी, आर्मी या फिर क्लास या फिर इस तरह से क्राउड, ठीक है। तो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रिवर्स या उसका अपोजिट, उसका ऑलआउट होता है कॉन्क्रीट नाउन, हर वो चीज़ जिसको हम देख सकें और छू सकें, ठीक है, और इसका रिवर्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख और छू ना सकें, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की बात कर ले तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हियर, ना जाने जितनी भी एग्जांपल आपने कॉमन प्रॉपर इसमें लिखी वो सब इसमें आ सकती है। जैसे अगर मैं एक कॉमन नाउन की एग्जांपल में लिख दूं, जैसे कि बॉय लिख दिया, एक प्रॉपर में लिख दिया, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर आईफोन लिख दिया, ठीक है, इस तरह से एक मटेरियल में लिख दिया तो गोल्ड लिख दिया, एक कलेक्टिव में लिख दिया तो आर्मी लिख दिया, एट्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब इन सारों का मैंने एक एक लिख दिया, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन के बाद वी हैव द सेवन्थ नाउन, वी हैव द सेवन्थ वन, और सातवां जो नाउन है उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। अब कंपाउंड नाउन से क्या मुराद है, कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। जैसे हम केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में कंपाउंड किसे कहते हैं, कि द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड, ठीक है, कि जब दो एलिमेंट्स साथ में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, कंपाउंड मतलब होता है मुरक्कब, किसी चीज़ का मिलाप। तो अगर दो नाउन मिल जाए, नाउन प्लस नाउन, तो दो नाउन के मिलाप से जो नया नाउन बनता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन, दैट इज़ वेरी सिंपल, जो दो नाउन से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वो क्या क्या हो सकता है, लेट्स से आप इंक पॉट कहते हैं, तो इंक पॉट जो है वो दो नाउन के मिलाप से बनता है। इस तरह से इंक पॉट के अलावा आप कहते हैं जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री एंड बॉक्स, ये दो नाउन से मिलाकर बना है। इसी तरह से आप कहते हैं लंच बॉक्स, तो लंच बॉक्स भी एक कंपाउंड नाउन है। इस तरह से आप कहते हैं मिल्कमैन, क्या कह रहे हो बोलो, आइसक्रीम, यस आइसक्रीम, गुड, तो आइस भी एक नाउन है और क्रीम भी एक नाउन है, तो आइसक्रीम भी एक एग्जांपल। और कोई कंपाउंड नाउन बताएं, नोटबुक हो सकता है, और बताएं, सॉफ्ट बोर्ड हो सकता है, यस, फुटबॉल हो सकता है, एट्सेट्रा। ये सारे होते हैं कंपाउंड नाउन, समझ में आ चुका होगा कि भाई जो दो नाउन के मिलाप से बनेगा, दो नाउन के मिलाने से एक नया वर्ड बन जाए तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और जब भी कंपाउंड नाउन हम लिखते हैं ना, तो उसके दोनों वर्ड्स के बीच में हम एक सिंबल लगाते हैं, ये वाला सिंबल होता है इस तरह से, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं हाइफन, ठीक है। तो ये हाइफन का सिंबल यूज़ किया जा रहा होता है वेन एवर वी राइट अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। आगे बात समझ में सबको, वॉट इज अ कंपाउंड नाउन। द नेक्स्ट नंबर 8, वी हैव काउंटेबल नाउन। तो नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब विच वी कैन काउंट, ऐसी चीज़ों के नाम जिसको हम गिन सकें, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, जो काउंट के काबिल हों, गिनती के काबिल हों। अब हम किन चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे बॉयज आर काउंटेबल नाउन, बॉयज़ को गिना जा सकता है, गर्ल्स को गिना जा सकता है, इस तरह से बुक्स को गिना जा सकता है, कॉपीज़ को गिना जा सकता है, पेन को गिना जा सकता है, रूम्स को गिना जा सकता है, स्कूल्स को गिना जा सकता है, हर वो चीज़ जिनको गिना जा सके, जिनको हम काउंट कर सकें, उनको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन के अंदर जो है वो आपके सामने कौन कौन से सारे नाउन आ जाएंगे, कि कॉमन नाउन भी काउंटेबल होता है, जितने भी कॉमन नाउन है, ठीक है, या फिर बल्कि नाउन के लिहाज से मैं छोड़ दूँ उसको, आप इसके एग्जांपल देख लो जस्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह मैं लिख ही देता हूँ कि कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन के अलावा प्रॉपर नाउन आ जाएगा, और प्रॉपर के अलावा मटेरियल, वो सॉरी, कॉमन और प्रॉपर नाउन आ जाएंगे, और इसके अलावा कलेक्टिव नाउन आ जाएंगे। ये सारे वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बॉय लिख दें तो बॉय को काउंट किया जा सकता है, गर्ल को काउंट किया जा सकता है, बॉक्स को काउंट किया जा सकता है, और बता सकते हैं, डेस्क को काउंट किया जा सकता है, और पेन को काउंट किया जा सकता है, पेंसिल को काउंट किया जा सकता है, कंट्री को काउंट किया जा सकता है,
स्कूल को काउंट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अगर मैं आप एक वर्ड लिखता हूँ हेयर, तो हेयर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? नहीं, हेयर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब कैसे? बिकॉज मैंने यहाँ पर मैंने देखो, काउंटिंग और टोटलिंग में फ़र्क है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है काउंट करना और एक होती है टोटलिंग करना। ठीक है, हेयर्स को टोटल करना मुश्किल है, काउंट करना आसान है। काउंट मतलब गिनती करना, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके गिन सकें तो हम एटलीस्ट 10 बाल तो गिन सकते हैं ना, काउंटिंग के काबिल तो है ना, वो काउंट किया जा सकता है। भले पूरा टोटल करना मुश्किल काम है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन गिनती कर सकते हैं उसकी 1, 2, 3 करके। तो हेयर इज़ दैट्स वाई हेयर इज़ अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से अगर हम स्टार कह लें, स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? स्टार भी काउंटेबल हो गया ऐसी रूल के लिहाज से, 1, 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं ना स्टार को। पूरा भले नहीं गिन सके लेकिन 2, 3, 4 तो गिन सकते हैं ना। मतलब जो काउंट भले 5, 10 भी काउंट कर सको लेकिन कर सको काउंट, तो दैट इज़ कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन, जिसका काउंट किया जा सके, काउंटिंग के काबिल हो। ठीक है, एटसेट्रा। इसी के एक रिवर्स में, अच्छा काउंटेबल नाउन के लिहाज से ये चीज़ याद रखें कि उसका नोट याद रखें, इसका नोट क्या कहता है कि प्लूरल पॉसिबल होता है ये उसका, तो दैट इज़ प्लूरल इज़ पॉसिबल, इसका जमा बन सकता है आराम से। उसके लास्ट में ऐसा आप लगा सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, बॉक्सेस, डेस्क, पेंस, पेंसिल्स, कंट्रीज, हेयर्स, स्टार्स, और ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन, द नाइन्थ वन, दैट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंपल, जिसे गिना ना जा सके, विच वी कैन नॉट काउंट, सो विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम गिन ना सकें वो हमारे पास कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को गिना ना जा सके। और याद रखें, अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास होता है मटेरियल नाउन और उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये दोनों हमारे पास मिलाकर बनते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसमें नोट याद रख लें कि इसका चूँकि काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन जाता है, तो अनकाउंटेबल का नाउन का जो प्लूरल होता है ना वो नहीं बनता, और हमने इसे पहले भी लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, अलग अलग जब हम उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब जितने भी मटेरियल नाउन उसको गिना नहीं जा सकता, फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी, अब पानी को काउंट नहीं कर सकते, वाटर इज अनकाउंटेबल। आप ये नहीं कह सकते कि 5 पानी है मेरे पास, जो है वो 10 पानी है, उसके पास 200 पानी है, 200 पानी किसी के पास नहीं हो सकता, पानी गिने नहीं जा सकता। हाँ, जो गिना जा सकता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर पर स्टार्स के बराबर में, दैट इज ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी के कतरे काउंटेबल होते हैं, पानी के कतरों को गिना जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं जग्स ऑफ वाटर, कि पानी के जग मेरे पास 4 जग पानी है या 10 जग पानी है, तो 10 जग पानी, 10 बूंद पानी, 5 गिलास पानी, 10 कप पानी को गिना जा सकता है, लेकिन सिर्फ पानी को आप नहीं गिन सकते हो। तो इसलिए पानी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसको 1, 2, 3 भी नहीं कर सकते, उसको 5 पानी भी नहीं गिन सकते, आप 1 पानी भी नहीं गिन सकते हो, पानी गिने नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, काउंटिंग ही नहीं होती है पानी की। इस तरह और कोई भी मटेरियल नाउन ले लो, मिसाल के सॉल्ट ले लो, बिल्कुल नमक, अब नमक आप नहीं गिन सकते, ये नहीं कह सकते मेरे पास 5 नमक है। हाँ, जो गिन सकते हैं वो किसको गिन सकते हैं? नमक के डब्बे को गिन सकते हैं, दाने को गिन सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, आई हैव 10 ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, मेरे पास 10 नमक के दाने हैं, तो नमक के दाने गिने जा सकते हैं, नमक नहीं गिना जा सकता, नमक तो नहीं गिन सकते ना भाई। हाँ, लेकिन जैसे चावल, राइस, आप चावल नहीं गिन सकते, अब ये नहीं कह सकते मेरे पास 10 चावल हैं, अब ग्रेन्स ऑफ राइस को गिनते हैं, मेरे पास 10 चावल के दाने गिने जाते हैं, चावल नहीं गिना जाता, चावल गिन नहीं सकते आप, चावल के दानों को गिन सकते हैं। ये कोई भी नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास जो है 200 चावल है, हम 200 दाने चावल कह सकते हैं, 200 किलो चावल कह सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, उनको नहीं गिना जा सकता। ठीक है, जिस तरह से वुड कह लें लकड़ी, तो वुड को आप काउंट नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते मेरे पास 5 लकड़ी है, हम कह सकते हैं 5 लकड़ी का तख्ता है मेरे पास, मेरे पास 5 लकड़ी के डंडे मौजूद हैं, ये कह सकते हैं, 5 लकड़ी के फट्टे मौजूद हैं, प्लैंक्स मौजूद हैं, हम ये सब कह सकते हैं, लेकिन हम 5 लकड़ी नहीं कह सकते हैं कि कितनी लकड़ी तुम्हारे पास है, कोई मेरे पास 10 लकड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। लकड़ी के तख्ते होंगे, लकड़ी की कोई चीज़ होगी, लेकिन लकड़ी नहीं हो सकता, लकड़ी को गिना नहीं जा सकता मतलब। ठीक है,
सेम, तो जितने भी मटेरियल हो ना आप दिमाग में डाल लो, सारे के सारे जो है वो अनकाउंटेबल है। मैंने प्रूफ दे दिया 3-4 से, बाकी सब भी आ जाएंगे इसी में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी गिना नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे पेन, दर्द, दर्द को गिन नहीं सकते, कितना दर्द हो रहा है, 100 दर्द हो रहा है, 200 दर्द हो रहा है, ठीक है, 10 दर्द हो रहा है, 5 दर्द, दर्द को गिना ही नहीं जा सकता, ठीक है, काउंटेबल है ही नहीं। इस तरह लव है, मोहब्बत है, मोहब्बत गिन नहीं सकते कि मुझे पाकिस्तान से 500 मोहब्बत है, ठीक है, या मुझे पाकिस्तान से 10,000 मोहब्बत है। अलॉट ऑफ आई लव पाकिस्तान वेरी मच कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 200, 300, 400 काउंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह इंटेलिजेंस, जहानत, ये भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। इंटेलिजेंस को भी किसी इंसान की गिना नहीं जा सकता कि भाई ये 400 जहीन है, ये 200 जहीन है, ये फला बच्चा जो है 100 जहीन है, मतलब ये हो सकता है ज़्यादा है या कम या थोड़ा जहीन है, बट काउंट नहीं कर सकते जहानत को, तो ये सारे अनकाउंटेबल हो गए। आगे बस में, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ नाउन।